नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आसमानी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के सुबुगाहट के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं को आज दिल्ली तलब किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक आज दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनके साथ यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल रहेंगे। इन नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होगी। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस दौरान यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा संभव है। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार किए जाने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि आज यूपी के दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। इस दौरान यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 2024 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी और इस मंत्रिमंडल में किन किन नए नेताओं को जगह मिलेगी, इस पर भी मुहर लगेगी। अटकलें हैं कि ओपी राजभर को एक अहम पद दिया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ओपी राजभर सपा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, यानी कि एनडीए के हिस्सेदारी में अपनी भागीदारी भी इस वक्त ओपी राजभर दर्ज करा चुके हैं और यही वजह है कि ओपी राजभर को भी उम्मीद है कि इस बार एक बड़ा और महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, मंत्रिमंडल के बढ़ोतरी के सुगबुगाहट के बीच अब तमाम यूपी के दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है। ये जो चर्चा है, ये कितनी महत्वपूर्ण है रितेश, और किन किन नेताओं का नाम इस वक्त निकल के सामने आ रहा है जिसे मंत्रिमंडल में अब शामिल किया जा सकता है? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव 2024 में आने वाला है, उसको लेकर के पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। अगर बात की जाए तो जो पार्टी विस्तार की बात की जा रही है, उसमें आज दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और 3 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली के पार्टी कार्यालय में। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और दोनों डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं बृजेश कुमार पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भी मौजूदगी वहां पर तय की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, उन सीटों पर कैसे काबिज हो पाया जाए, इसके लिए वो मंत्रणा करेंगे। हालांकि कल गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक है रितेश, हम दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, शाह नड्डा के साथ आज बड़ी बैठक होनी है। यूपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि किन किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और किन किन को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस पर भी आज उम्मीद है कि चर्चा हो सकती है और 2024 के चुनाव से पहले जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की भी खबर लगातार सामने आ रही है। रितेश से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है, रुक करते हैं सीधा रितेश का। देखिए रितेश, लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें लगातार सामने आ रही है, 24 का चुनाव नजदीक, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाएगा। ऐसे में किन किन नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है और ओपी राजभर का कद किस तरीके से इस मंत्रिमंडल के विस्तार में बढ़ सकता है? देखिए मुस्कान, अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन कौन से नेताओं का कद इसमें बढ़ेगा, लेकिन दो नेता जरूर अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें पहला नाम ओपी राजभर का है। कुलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि 7 तारीख को वो शपथ ग्रहण का समय भी बता देंगे, दिन तारीख भी तय करके वो बैठे हैं। हालांकि वो इस तरह की कई बार बातें कह चुके हैं, लेकिन अपनी बार वो जिस तरीके से भरोसा जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग के वोटों को साधने के लिए ओपी राजभर को और दारा सिंह चौहान का कद बढ़ाया जा सकता है, यानी मंत्रिमंडल में फिर से उनका उनको विस्तार दिया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में ओपी राजभर को दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण का विभाग दिया गया था, इसके बाद उन्होंने अपने पद से वो खुद हट गए थे, हटा दिया गया था उन्हें पार्टी की तरफ से, क्योंकि नीतियां उनको समझ में नहीं आ रही।
तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा। उसके बाद आज जब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ओम प्रकाश राजभर कुछ शामिल हुए हैं और उनका कद बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने स्वयं कहा है कि 7 तारीख को डिक्लेयर करेंगे शपथ ग्रहण का दिन। ठीक है, लेकिन देखिए रितेश, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा ये बात तो एकदम पक्की है, कब होगा फिलहाल इसका इंतजार करना होगा। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इसमें किस तरीके से समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें 50% वोट बैंक ही साथ पाए थे भारतीय जनता पार्टी, अब उनका लक्ष्य 60% है। यानी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो 80 लोकसभा सीटों पर वो काबिज होना चाहते हैं। इसके लिए ये पिछड़ा वर्ग का जो इनका फैसला है, और वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए की रैली निकाल रही है तो वो अपने फूट को मजबूत करने में लगी हुई है। तो ऐसे में दोनों पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना दम दिखा रही है और ये ऐसा अखाड़ा है उत्तर प्रदेश की जहाँ की 80 लोकसभा सीटें सीधे भारत के प्रधानमंत्री का नाम तय करती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चीज को जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से ही अगर सपोर्ट मिलेगा तो प्रधानमंत्री अपने उत्तर प्रदेश से ही बनके जाएगा। तो ऐसे में ये पूरी चीजें तो बनाई जा रही है, ये रणनीति बनाई जा रही है, ये पिछड़ा वर्ग के जो वोट बैंक है उनको साधने के लिए उनके नेताओं की तलाश की जा रही है। अब आज इस बैठक में साफ हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा नेता वो बड़ा चेहरा होगा जो पिछड़े वर्ग की वोटों को काटने में और साधने में काम आ पाएगा। बिल्कुल, देखिए रितेश, अगर हम लोकसभा चुनाव से इसको जोड़ के देखें तो देखिए कई सांसदों के टिकट कटने की उम्मीद है, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा चुका है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार अब एक सुबुकाहट बढ़ाता है। क्या कोई ऐसा नेता है जिस पर मंत्रिमंडल से बाहर जाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है या जिस पर तलवार सबसे ज्यादा लटकी है? देखिए जाहिर सी बात है कुछ नेताओं की रिपोर्ट कार्ड पहुंचे हैं, किन्हीं के अच्छे पहुंचे हैं, किन्हीं के खराब ही पहुंचे हैं। उस पर मंत्रणा जा रही है। जो पार्टी के उच्च नेता है, जो बड़े नेता है कार्यकारिणी के सदस्य, वो लगातार इस पर नजर बनाए। रही बात सांसदों की तो उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करके भेजा जा चुका है। अब ये भी तय किया जाएगा कि कौन सा सांसद किस क्षेत्र में जनता के साथ कितना साथ दे पाया उनका और कितना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो भी जन सुविधाएं दी गई थी, जो बुनियादी सुविधाएं दी गई थी, उन सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचा पाया है या नहीं, उसकी भी रिपोर्ट कार्ड पार्टी तक पहुंची है। पार्टी ये तय करेगी कि आने वाले चुनाव में किन सांसदों का टिकट कटेगा और किसको मिलेगा। हालांकि अब की बार के चुनाव में कई सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है और अगर उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कई सांसदों का टिकट कट सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौबीस लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब काफी सक्रिय हो चुकी है। इस बीच अखिलेश यादव का सहारनपुर दौरा आज का काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव सहारनपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे का वो समय होगा जब पूर्व विधायक माबिया अली के बेटे पालिका सभा सद हैदर अली के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव देवबंदी उलेमा से मुलाकात करते हैं या नहीं, इस पर सबकी निगाहें भी रहेंगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले पीडीए का मतलब समझाया था तो उसमें एक का मतलब अल्पसंख्यक था। वहीं अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने एक का मतलब अगड़ा बताया था। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए दोनों परिस्थितियां परीक्षा की घड़ी होने वाली हैं। बता दें कि इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के कारण पूरी दुनिया में मशहूर देवबंद को यूपी की मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा केंद्र माना जाता है और आज अखिलेश यादव जब सहारनपुर दौरे पर जाएंगे तो पूरे प्रदेश की निगाहें उनके इस दौरे पर टिकी होंगी, क्योंकि देखिए लगातार अटकलें हैं कि फिलहाल अखिलेश यादव एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव सहारनपुर दौरे पर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो वहां पर उलेमाओं से मुलाकात भी करें। तो इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के कारण पूरी दुनिया में मशहूर देवबंद को यूपी की मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां से अक्सर जारी होने वाले फतवे सुर्खियों में रहते हैं और आज उसी क्षेत्र में या यूं कहे उसी भूमि में अखिलेश यादव की मौजूदगी रहेगी। तस्लीम अहमद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्लीम, देखिए आज अखिलेश यादव दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका वहां निर्धारित किया गया है और तकरीबन कितने बजे का वो समय होगा जब अखिलेश यादव सहारनपुर में मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल मुस्कान, जो इस तरह से अखिलेश यादव आज प्राइवेट प्रोग्राम अखिलेश
ठीक है तस्लीम, आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए आपको ये बड़ी और अहम खबर बता दें कि आज उम्मीद है कि उलेमाओं से अखिलेश यादव मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। और देखिए इस क्षेत्र को लेकर यह कहा जाता है कि यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और जब भी देवबंद का जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी देवबंद को माना गया है। और अक्सर देवबंद को लेकर कहा जाता है कि यहां से जारी होने वाले जो फतवे हैं वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। देवबंद उलेमा किस पार्टी और किस दल को समर्थन कर रहे हैं इस बात का भी मुस्लिम मतदाताओं पर गहरा असर होता है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव आज जब सहारनपुर दौरे पर जाएंगे तो ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि वो उलेमाओं से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है तो अक्सर समाजवादी पार्टी को लेकर यही कहा जाता है कि वो MY समीकरण वाली पार्टी है। अब अखिलेश यादव PDA की राह पर भी निकल चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम मतदाता काफी अहमियत रखते हैं। तस्लीम एक बार फिर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए तस्लीम, अभी तक तो अटकलें ये हैं कि अखिलेश यादव महज एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवालों से जो खबर है वो ये है कि उलेमाओं से भी मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं, इसको लेके क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सूचना मिल रही थी कि मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से अखिलेश यादव मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन मौलाना अरशद मदनी यहाँ नहीं है इसलिए जो है वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। पता है दूसरे उलमाओं से वो मुलाकात करें, लेकिन अभी कोई तय नहीं है प्रोग्राम। लेकिन देखिए तस्लीम, यहाँ पर एक चीज बहुत अहम हो जाती है कि जब भी देवबंद का जिक्र होता है तो यूपी के मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, और आज अटकलें थी कि अखिलेश यादव तमाम उलेमाओं से मुलाकात करेंगे, मुखातिब होंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए 2024 को लेकर उनको जीत का चुनावी मंत्र भी दे सकते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये तो तय है कि वो किसी ना किसी उलमाओं से तो मिलेंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि किससे मुलाकात होगी, क्योंकि अभी जो उनका प्रोग्राम है उसमें उस प्रोग्राम में अभी कोई ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई किस मौलाना से मुलाकात होगी। क्या आज अखिलेश यादव तस्लीम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुखातिब हो सकते हैं क्या? देवबंद में अपने जो कार्यकर्ता है जसवीर वाल्मीकि उनके यहाँ जा सकते हैं, और कार्तिकेय राणा हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, उनके यहाँ भी वो उनका प्रोग्राम है, शादी के प्रोग्राम के बाद वो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद तस्लीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने NCR में भी सबको चिंता में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में आज धुंध की सतह छाई हुई है और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली का जो वायु सूचकांक है वो 349 रिकॉर्ड किया गया है। वही वायु गुणवत्ता में खराबी का कारण तापमान में गिरावट, शांत हवाओं के कारण आई है, साथ ही लोगों को प्रदूषण और स्मॉग के कारण सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगी है। और यूपी की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार जो हवा है वो जहरीली हो रही है। प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति की बात अगर की जाए तो दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। वही सफर के अनुसार नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 397 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी लगातार जो गंभीर श्रेणी है वो देखने को मिली है, तो लगातार हवा की गुणवत्ता या यूं कहे कि वायु की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। दिल्ली NCR और लखनऊ में तो सांस लेना भी मुहाल हो गया है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो दो कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना दोनों कंपनियों पर लगाया गया है। और देखिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ये जुर्माना इन दो कंपनियों पर लगाया है। कानपुर से दीपक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक देखिए, दिल्ली NCR और लखनऊ की हवा तो दूषित हो गई है, ऐसे में अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में आज का AQI क्या है और वहां की जो वायु गुणवत्ता है वो क्या कुछ आज दर्ज की गई है?
मुस्कान आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ की हवा देखी जा रही है, किस तरीके से वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। कानपुर में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है, और इकाई की बात करें तो बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अगर वायु प्रदूषण फैलने का सबसे बड़ा कारण है जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जहरीला धुआं, उससे जो है आसमान में जो धुआं निकलता फैलता है, उससे बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है, और समस्याओं से वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अलावा वायु प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण का ये कहना है कि हम लगातार जो है फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी साफ तौर से देखी जा सकती है कि किस तरीके से कानपुर नगर में कई सारी फैक्ट्रियां अवैध तरीके से चल रही है, जो जहरीला धुआं उगल रही है, और लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रदूषण विभाग नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो लापरवाह बने हुए हैं और गोलमोल जवाब देते नजर आते हैं कि उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर वायु प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के अधिकारी जो हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दीपक देखिए, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर पराली जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जुर्माना लगाया जा रहा है, और कानपुर तो एक बड़ी उद्योग नगरियों की लिस्ट में शुमार हो जाती है। ऐसे में लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि जो वहां की फैक्ट्रियां है वहां से जहरीला धुआं निकल रहा है, इसी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से वायु प्रदूषण बोर्ड के नियंत्रण के अधिकारी हैं तो उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं, लापरवाही साफ तौर से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि प्रदेश सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वहीं बात करें पराली जलाने की, तो कानपुर महानगर का शहर आता है, जहां पर पराली की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी इतनी जागरूकता नहीं, हालांकि वहां के जो लोग हैं कुछ जागरूक है तो पराली नहीं जलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हैं जो पराली जलाते हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस को अगर सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस वहां के लोगों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की भी बहुत जरूरत है, और जो ऐसे विभाग के अधिकारी हैं बोर्ड नियंत्रण के, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। तो सरकार ठीक है, लेकिन दीपक देखिए, लगातार जो वायु की गुणवत्ता है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। दिल्ली एनसीआर और लखनऊ का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उद्योग नगरी कानपुर की भी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में जो लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? कानपुर में अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है कि यूक्यू कितना है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी जो हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, और जो अधिकारी हैं वो जो अवैध तरीके से फैक्ट्रियां हैं जो धुआं उगल रही हैं जहर जैसा, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ से राजन सोनकर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राजन, दिल्ली एनसीआर के साथ ही लखनऊ और लखनऊ के साथ कानपुर, इन तीनों ही जगह का AQI तो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जहां लोगों को सांस लेना तक दुभर होता जा रहा है लोगों का। ऐसे में अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ का AQI आज का क्या है, और क्या कोई बढ़ते प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी मेरठ में जारी की गई है क्या? यहाँ पर भी AQI जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, लगभग 200 से ऊपर यहाँ पर AQI पहुंच गई है। अब यहाँ पर कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और मैं आपको बता दूं आज जो सुबह का दिन था, जब सुबह के 6 बजे से मैंने मौसम देखा बाहर का, तो वहां पर धुंध छाई हुई थी, और ऐसे में सभी स्कूली बच्चे जा रहे थे, जिनमें अधिकांश बच्चों ने वहां पर मास्क का प्रयोग कर रखा था, क्योंकि प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण और स्मोक के कारण जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो सांस लेने में डालता है, और ऐसे में बच्चों को आंखों में जलन भी हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, और गले में भी दुखन जैसी और खांसी जुकाम, ये तमाम चीजें जो है बीमारियां ये सब शुरू हो गई हैं, और वही डॉक्टरों के यहाँ पर लंबी लंबी कतारें भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा बचाव यही है कि गुनगुना पानी और इस पॉल्यूशन से बचने के लिए, स्मॉग से बचने के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए, आंखों को बचाव के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन जब बढ़ता है ये आंख, नाक और गला और सीना, ये तीनों चीजें जकड़ लेता है, और इसके साथ साथ और अन्य बीमारियां भी यहाँ पर
बिल्कुल न्योता दे दिया जाता है। तो प्रदूषण से बचने के लिए तमाम जो चीजें हैं ये करनी चाहिए इंसान को, और तभी इससे राहत मिल पाएगी। लेकिन देखिए राजन, लगातार सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए तमाम तरीके की कवायद कर रही है, जुर्माने लगाए जा रहे हैं, पराली जलाने पर रोक लगाई जा रही है, और किसानों से भी अपील की जा रही है कि वो खेतों में पराली ना जलाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार AQI बढ़ रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या बताई गई? देखिए किसान, बिल्कुल सही सवाल है। इसके पीछे की साफ वजह यही है, एक तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, यानी कि जो गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं, इनका प्रदूषण जो हवा में मिक्स होता है उसके कारण लोगों को प्रभावित करता है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनसे निकलने वाला, उनकी चिमनियों में से निकलने वाला धुआं, यह भी प्रदूषण कहलाता है, ये भी लोगों को स्वास्थ्य खराब करता है। तो ऐसे में प्रशासन को अपना हंटर चलाना चाहिए, लेकिन मेरठ प्रशासन अभी नींद से जागा नहीं है, अभी सोया हुआ है। जब जागेगा तो जरूर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करेगा और नई गाइडलाइन भी जारी करेगा। फिलहाल मेरठ प्रशासन अभी नीम से नहीं जाता, जब जागेगा तो इस तरीके का हंटर भी चलाएगा और इस तरीके से कार्रवाई भी करेगा। लेकिन ये ढीला रवैया लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, और प्रशासन की तरफ से बहुत जल्द इस विषय पे गाइडलाइन भी जारी कर देनी चाहिए और ऐसे लोगों पर अपना हंटर भी चलाना चाहिए जो अभी तक प्रशासन ने नहीं चलाया। लेकिन देखिए राजन, लगातार जो प्रदेश सरकार है वो तो काफी सख्त है, और उसने प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को भी साफ तौर पर हिदायत दी है कि तमाम तरीके के आप एक्शन ले सकते हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेरठ में जो प्रशासन है वो अभी भी गहरी नींद सोया हुआ है, जिसका खामियाजा साफ तौर पर बच्चों और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है बढ़ते प्रदूषण की वजह से। अब इसके पीछे जो लापरवाही की जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इतनी लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं? देखिए मेरठ का जो प्रशासन है वो तमाम चीजों पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन लोगों से जुड़ी जो चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि आज बात हो रही है, प्राइम टीवी ने मुद्दा उठा रखा है प्रदूषण को लेकर, तो प्रदूषण को लेकर सरकार ने भी, सरकार की तरफ से भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, इसका जवाब तो प्रशासन से लिया जाएगा। और जो प्राइम टीवी की मुहिम है ये लगातार चलती रहेगी, और प्राइम टीवी इस बारे में सवाल भी प्रशासन से करेगा कि आखिर प्रशासन की नींद कब जागेगी और प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करके कब तक कार्रवाई करेगा। तो वहीं ये मामला जो जुड़ा हुआ आम जन से जुड़ा हुआ है, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आसमान में होने वाले पशु पक्षियों को भी इस प्रदूषण से काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो धरती पर रहने वाले इंसान है उनसे उन पर भी प्रभाव इसका पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए राजन, अब यहाँ पर एक चीज और अहम हो जाती है, अब से कुछ दिन बाद दिवाली का पर्व आ जाएगा, इस दौरान जो AQI है वो और ज्यादा गंभीर हो जाता है, उससे निपटने के लिए क्या मेरठ प्रशासन ने कोई तैयारी की है, क्या क्या कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से आपको देखने को मिल रहे हैं मेरठ में? समय समय पर आते हैं कि पटाखा बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं खोला जाएगा, ग्रीन जो लाइट पटाखे होते उसको उपयोग किया जाएगा और उसकी बाजार में बिक्री भी की जाएगी। लेकिन जो बड़े पटाखे जिससे प्रदूषण फैलता है और अन्य भी गंभीर बीमारियां होती है, उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि एफएससी सचमान और मेरठ के DM दीपक मीणा की तरफ से लगातार पैदल मार्च किया गया और लोगों को यही जागरूक किया गया कि इस तरीके के पटाखे बेचना प्रतिबंधित है, तो इस तरीके के अगर पटाखे बेचे जाएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वही थानेदारों को भी जिम्मेदार बताया है। लेकिन मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ में चोरी छुपे, यानी कि छुपके से पटाखे भी बेचे जाते हैं और उससे प्रदूषण भी बढ़ता है लगातार, लेकिन पुलिस जो है लगातार इस मामले में ढीला रवैया बरतती है। बस शुरू में दिशा निर्देश बने जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन गलियों में मोहल्लों में घरों से लोग जो है बम पटाखे बेचते हैं और उससे AQI जो लगातार वो बढ़ जाता है और ऐसे लोगों बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है, आप लोगों को सुबह से ही धुंध देखने को मिलती है, आसमान में धुंध छाई रहती है और इसके कारण लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। तो प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप घरों से बाहर मास्क लगाकर निकले, क्योंकि जो हमारा प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।